दुनिया में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका और चीन ने डसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत अमेरिका और चाइना पे बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका यूँ तो भारत के साथ दोस्ती का एक झूठा दिखावा करता है, लेकिन वो साथ ही भारत के पीठ पीछे भारत के खिलाफ ही चाइना की तरह एक गहरी साजिश करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अमेरिका की पूरी दुनिया में बेस कैंप मौजूद है, लेकिन अमेरिका का बेस कैंप, कोई भी बेस कैंप इंडियन ओशियन बे ऑफ बंगाल में या फिर एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं है। और यही बात अमेरिका को हमेशा से खलती रहती है, और ये इसके लिए अमेरिका 1971 में भी प्रयास किया था कि वो चाहता था कि भारत के बे ऑफ बंगाल में किसी भी तरह से अमेरिका को अपना एक आइलैंड मिल जाए, जिस पे वो अमेरिका अपना एक सैन्य बेस हेडक्वार्टर बना सके, और यही बे ऑफ बंगाल से रहकर वो पूरी तरह से भारत और चाइना को कंट्रोल कर सके, और इन दोनों कंट्री पे, एशियन कंट्रीज महाशक्ति पर वो अपना आधिपत्य या फिर अपना नज़र बनाए रखे, ताकि इससे अमेरिका का प्रभुत्व को कोई भी दुनिया में देश चुनौती ना दे सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है चलिए जानते हैं। बांग्लादेश म्यांमार को तोड़ने की साजिश हो रही है, पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की साजिश का दावा हुआ है, जो कि शेख हसीना ने किया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एक साजिश का दावा किया है। उन्होंने बताया है कि म्यांमार और बांग्लादेश के क्षेत्र के जरिए पूर्वी तिमोर जैसे ईसाई देश को बनाने की साजिश रची जा रही है। इस प्लान के पीछे कौन सा देश है उन्होंने यह नहीं बताया है, लेकिन माना जाता है कि उनका निशाना अमेरिका ही पर था। दरअसल बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अली लाजम ने भारत में नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को दोनों देशों की मीडिया ने प्रमुखता से कवरेज भी दिया था। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा दावा किया था कि उन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्र का इस्तेमाल करके पूर्वी तिमोर जैसे ईसाई देश बनाने की साजिश का खुलासा किया। हालांकि अपने बयान में उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर इस पूरे प्लान के पीछे कौन सा देश है। गुरुवार को गोने भवन में 14 पार्टी मीटिंग के दौरान बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि एक देश ने बांग्लादेश में एयर बेस बनाने के लिए श्वेत व्यक्ति के जरिए प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा कि इस एयरबेस के बदले 7 जनवरी को होने वाले चुनाव में वो बांग्लादेश को समर्थन देगा। द डेली स्टार के मुताबिक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो उनकी आवामी लीग सरकार को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने की प्रतिज्ञा ली है। इनके अलावा शेख हसीना ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर चुनाव के दौरान तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया था। आखिर क्या अमेरिका है निशाने पर? उनके बयान के बाद ऐसी अटकलें हैं कि शेख हसीना अमेरिका पर निशाना साध रही हैं। नवंबर 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच तनाव तेज हो गया था, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना और राष्ट्रपति बाइडेन सार्वजनिक विवाद में फंस गए। तब विपक्ष ने पीएम के इस्तीफे और कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग की थी। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने बाद में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की और पारदर्शी चुनाव के महत्व पर जोर दिया। बांग्लादेशी सरकार ने इसे हस्तक्षेप बताते हुए इसकी आलोचना भी की थी। पूर्वी तिमोर में अमेरिका का प्रभाव है। पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया का हिस्सा था, लेकिन 1999 में यूएन के आयोजित जनमत संग्रह में लोगों ने अलग होने का फैसला किया। 2002 में इसे आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई थी। यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। अमेरिका ने पूर्वी तिमोर में अपना एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाई हुई रखा है। जनवरी 2022 में अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियरों ने निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं पर तिमोर लेस्ते रक्षा बल के साथ सहयोग किया था। यह बाउकाऊ एयरफील्ड के पुनर्वास के संयुक्त प्रयास का हिस्सा था। जून 2021 में इसे जुड़ी हुई पहल शुरू हुई थी।
तब अमेरिका ने पूर्वी तिमोर सरकार के साथ साझेदारी में एक परियोजना के लिए $10 मिलियन से ज़्यादा का वादा किया था। अगस्त में दोनों देशों ने मिलिट्री का एक्सरसाइज भी किया था। दरअसल भारत के बंगाल की खाड़ी स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, जिसे हर देश अपने कब्जे में करना चाहता है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। इसी के लिए अमेरिका 1971 पे भारत को घेरने का प्रयास भी किया था, जिसे सोवियत रूस ने नाकाम कर दिया था। 1971 में अगर अमेरिका अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो वो यहाँ कम से कम तो 1 से 2 आइलैंड पर अपना आधिपत्य जमा कर यहाँ एयरबेस खड़ा कर देता और यहीं से वो भारत को कंट्रोल करता, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत कभी डेवलप करे और वो एक महाशक्ति बने। वैसे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में अमेरिका को एक एयरबेस मिल जाए ताकि वो वहाँ पर अपना एक क्रिश्चियन देश बना सके। और इस पे मना करने पर, बांग्लादेश की शेख हसीना के मना करने पर अमेरिका ने उसे धमकी दी है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका इसके बदले में वो बांग्लादेश की विद्रोहियों को एकजुट कर करके अमेरिका बांग्लादेश से एक देश निकाल देगा और वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन के क्रिश्चियन बाहुल्य राज्य को आपस में मिला करके एक नया क्रिश्चियन देश बनाएगा और भारत के लिए भी ये एक चिंता का विषय फिर बन जाएगा। इधर अमेरिका बे ऑफ बंगाल से भारत और चाइना पे नज़र रखेगा और उधर बांग्लादेश और भारत के बीच में एक क्रिश्चियन देश बना के वो अपना एक एलाई देश खड़ा कर देगा नाटो की तरह। और वो दरअसल जब शेख हसीना ने इस बात का खुलासा किया तो अमेरिका इस बात से मुकर गया कि वो शेख हसीना से बांग्लादेश में कोई देश मानने की बात भी कर रहा था, ताकि इससे चाइना कहीं अवगत ना हो जाए और इससे पहले कि अमेरिका इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे पहुंचे वो चाइना ना हासिल कर ले। और ये भारत के लिए भी एक बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत को भी चाहिए कि अपने नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को और अपने देश की रक्षा अच्छे से करे, ताकि वो अमेरिका और चाइना से इस बात को समझे कि ताकि इनकी आखिर मंशा क्या है और वो क्यों बे ऑफ बंगाल में नज़र गड़ाए हुए हैं। भारत को अब यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजिकली अपना एक स्ट्रेंथ मजबूत करना होगा इनके खिलाफ। दरअसल मुद्दे की बात यह है कि भारत की शक्ति, ग्रोथ और भारत की डेवलपमेंट को देखकर अमेरिका डर गया है। अब अमेरिका को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत उसकी जगह न छीन ले, क्योंकि आजकल भारत की शक्तियों के आगे अमेरिका फीका पड़ रहा है और विश्व पटल पे वो अपनी क्षमताओं को खोता जा रहा है, ताकि वो जिस तरह से पहले प्रदर्शन करता था, अपनी शक्ति प्रदर्शन किया करता था, आज उसकी कोई भी शक्ति प्रदर्शन काम नहीं आ रही है भारत के सामने। और इसी बात से वो चिढ़ कर एक डरा सा एक समझ में नहीं आ रहा उसे कि क्या करना है, और इसलिए वो भारत पे कब्जा करने के लिए, भारत पे वो अपना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे एक कब्जा करने के मंसूबे पे काम कर रहा है, ताकि वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में बैठ करके भारत और चाइना दोनों ही एशिया की महाशक्तियों को कंट्रोल कर सके और उन पे नज़र रख सके कि वो क्या कर रहे हैं और समय समय पर इन दोनों को वो रोक सके। इसलिए वो अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे किसी भी तरह से बंगाल की खाड़ी या बांग्लादेश भारत के बीच में वो अपना एक एलाई देश स्थापित करे क्रिश्चियन, ताकि वो किसी भी समय पर जब भी जरूरत पड़े नाटो में उन्हें शामिल कर ले और जब भी जरूरत पड़े उनके साथ युद्ध हो तो सारे के सारे नाटो देश भारत के दरवाजे तक पहुंच जाए युद्ध करने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत के बीच में एक क्रिश्चियन बाहुल्य राज्य जब उन्हें वो एक देश बना देगा और उसे नाटो में वो शामिल कर लेगा, तो कल को अगर इस राज्य से, जो कि अभी भारत का राज्य है, लेकिन कल को अगर वो देश बन गया और नाटो का सदस्य बन गया तो भारत के साथ युद्ध होने पर नाटो की सारी कंट्री भारत के दरवाजे पे आ जाएगी और अमेरिका इसी के बहाने बे ऑफ बंगाल पे अपना एक सैन्य बेस भी बना सकेगा। लेकिन ये तो खैर एक दूर की बात है, फिलहाल अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मोदी जी इस पर कैसे हैंडल करते हैं। इसीलिए भारत
सरकार को मजबूत बनाएं और वोट बीजेपी सरकार को जरूर दें, ताकि मोदी ही सरकार ऐसी है जो इन मामलों को निपटा सकती है। जय हिंद, बाय बाय। इसलिए देश बचाना है तो बीजेपी को लाना है। वोट बीजेपी, पीएम मोदी। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल वन फैक्ट एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें।